रायसेन शहर में जल संकट की समस्या को लेकर नगर अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्षद नेता प्रतिपक्ष प्रभात चावला के नेतृत्व में कांग्रेसी और पार्षदों ने बड़ी संख्या में सिर पर खाली मटका लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। वहीं कार्यालय में खाली मटके फोड़कर अपना विरोध जताया और नगर पालिका परिषद रायसेन के जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिलचस्प पहलू ये रहा, नपा कार्यालय के नपा अध्यक्ष के चैम्बर के भीतर पीआईसी की बैठक चल रही थी, वहां चैम्बर के बाहर नपा सीएम सुधीर सिंह के सामने कांग्रेसी पार्षदों कांग्रेसजनों ने खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन करते नजर आए। महत्वपूर्ण विषय था कि शहर की जनता को पहले पानी मुहैया कराया जाए, इसके बाद पीआईसी की बैठक कराई जाए। लेकिन उस पीआईसी की बैठक में निर्माण के काम होंगे, खरीदी के काम होंगे, उसके पीछे सीधा लॉजिक होता है कि यदि निर्माण कराएंगे तो कमीशन खोरी का काम होगा, खरीदी करेंगे तो कमीशन खोरी का काम होगा। जनता द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। आज से 15 दिन पहले गणेश जी का समारोह चल रहा था, उस दौरान भी नगर पालिका ने संपूर्ण शहर को एक एक बूंद के लिए तरसाया है। कल से नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका में जो प्रभारी जल प्रभारी अभिषेक मालवीय है, उसके द्वारा जनता को एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसाया जा रहा है। इस पिछले 18 दिनों से जब बाढ़ में हमारा पूरा हलाली डैम का जो इंटरक्वेल है, स्टार्टर है, ट्रांसफार्मर है, 18 दिन पानी में डूबे रहे। जब पानी खत्म हुआ उसको हम लोगों ने खुलवाया और बहुत तेजी से काम करवाया। कोई सामान इंदौर भेजा, कुछ भोपाल से सही हुआ।